ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2020 की साकार मुरली है। बाबा ने आज समझाया, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार भी रहो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही ये चेक करो। और अगली चेक करने की बात है कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है और उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है और उस रिगार्ड की निशानी क्या है? बाबा भी जिन बच्चों का रिगार्ड करते हैं, तो ऐसे बच्चों की विशेषता क्या है, किन बच्चों के लिए है और बाबा का रिगार्ड कैसे पता लगेगा, कैसे महसूस होगा? बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे और यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं। बाबा उनको लाड प्यार करते हैं, पुचकार देकर उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। बच्चों में भी ये समझ होनी चाहिए कि बाबा को सब सच सुनाएं और बाबा से श्रीमत लें। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया से दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग, बाबा कहते, क्योंकि क्षमा तो हो नहीं, आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। कभी बाबा कहते हैं मैं क्षमा हूं और कभी कहते आत्मा को क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति। भगवान के अनेक नाम रख दिए, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते तो नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं, ब्रह्म क्षमा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जो पहचानते नहीं, जानते नहीं, तो उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स के द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहे करते रहो। आत्मा निर्लेप है, इसीलिए जो चाहे खाओ पियो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं माया रावण ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान और ही ज्यादा होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है कि रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो,
अपना रजिस्टर, अपना चार्ट चेक करो, उसमें क्या क्या चेक करना है, क्या किया हमने, भोजन देवताओं मिसल खाया, धीरे धीरे चबाकर, बिना आवाज किए हुए, अनासक्त भाव से बाबा को भोग स्वीकार करा के, तो चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल, चलन अनाड़ियों की जैसे रही या कायदे सिर चलन चली। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुआ, ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं परंतु अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान भी सुनाते हैं। योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, रचयिता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है फिर भी होगा, 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है, माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है, सो भी बहुत थोड़े हैं जो सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, ये बात की भी समझ नहीं। क्या श्रीमत लेनी है वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बताने में बड़ी लज्जा आती है, उनमें कर्म ऐसे हो जाते उनसे जो बताने में फिर लज्जा आती है। तो बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं कि यह बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सेवा पर भेज दूंगा। बाबा रिगार्ड देते, पुचकार देते, आत्मा की डेवलपमेंट का ध्यान रखते कि इनको सेवा पे भेजेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस दे अहंकार आया कि देखा बाबा मुझे इतना आगे रखते हैं, माया का थप्पड़ खाया यह गिरा। अरे बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं, कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं, यह सारी दुनिया का बाप है। अभी उस एक को ही बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, बड़े आदमियों की कितना रिगार्ड से संभाल करते हैं, कितना भबका रहता है,
इस समय तो सब पतित हैं, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है तो बाप कहते 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं, यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बाबा याद करा रहे हैं। यह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसीलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी और झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। बार बार आसार बनते हैं ऐसे। सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। जो एक बार चीजें बन गई फिर छूट गई तो वो बंद नहीं होंगी। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए। फिर ये हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। पता भी नहीं पड़ेगा ना, हॉस्पिटल रहेंगे ना कोई पीछे उनका विलाप करने वाले रोने वाले रहेंगे। ये सब मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे, सारी दुनिया की आग देखनी पड़ेगी। विनाश इतना भयंकर होगा, बाबा कहते ये कोई पाई पैसे की बात नहीं है। साक्षात्कार होता है ब्रह्मा बाप को हुआ, और किस तरह से वो उसमें भी व्याकुल हो गए थे। साक्षात्कार होता, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है, कितनी बड़ी दुनिया है। तो बाबा कहते आकाश तो नहीं जलेगा, उसके इनके अंदर अंदर जो कुछ है, जो उसके नीचे है, सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, तो यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। विचार करो, 5,000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, तो इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो, तो यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ भी नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हम आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है। हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा यह अंतिम जन्म है,
अभी हम जाते हैं घर, यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं है। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट होने चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। कभी बाबा कहेंगे योग ठीक नहीं है, कभी कहेंगे एक भी बात की धारणा ठीक नहीं हुई। आज कहते खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, ये तो चना चबाना है, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी तो विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा? बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, दो इंजन मिले हैं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं, ट्रेन जो पहाड़ों पर चलती है, बहुत पहाड़ी पर तो नहीं, थोड़ा नीची पहाड़ी पर, तो वहां उनको दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चली आती है, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं ना, तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, डबल इंजन नहीं लगाते हैं। स्वयं को शक्तिशाली आत्मा समझना, बाप दादा को साथ रखना, तो कभी खड़े हो जाते हैं, कभी खिसक कर नीचे आ जाते हैं। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, माया का ग्रहण व तूफान लगता है, तो एकदम नीचे गिर कर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप हैं, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहें तो वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाहर में रहे मींस कुछ बाबा के पास आकर समर्पित होकर रह रहे थे और कुछ बाहर अपने घरों में प्रवृत्ति में रहते सेवा कर रहे थे। तो बाबा कहते कि अगर कुछ ऐसा करते जो हमारे ऊपर भारी दंड पड़ जाता है, ऐसा उन्हें फील होता है, तो सोचते हैं इससे तो बाहर में रहे तो वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं कि बात मत पूछो। अज्ञान काल में भी कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ, बाप को पसंद नहीं आता है उसकी गलत हरकतें, कि
कि हमारी आंखों के सामने मत आओ, हमारे सामने से हट जाओ। तो बाबा कहते यहाँ एक दो बच्चे की बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। कितने बच्चे माया की चपेट में आ जाते हैं यहाँ। तो माया बड़ी जबरदस्त है, इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होना है। अब तुम किसी को समझा सकेंगे। आप अंतर्मुखी होकर रहेंगे तो किसी को अच्छा समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे, फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गालियां देते आए हैं। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उनों के लिए सजा कम थोड़े ही है। ऐसे थोड़े चले जाएंगे, उनों के लिए तो और ही मुसीबत है। सजाएं भी लेंगे और पदवी भी कम होगी, और भी मुसीबत। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं, पीस अवार्ड है ना, पीस प्राइज देते रहते। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक ही है ना, शांति स्थापन करने वाला तो एक ही है। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। अब श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र का मंदिर को कुछ किया, कोई ने किसी के शास्त्र को या मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा दिया, कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो, ऐसी बातों में ही यह सारी दुनिया ही जल कर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। जैसा समय आने वाला है बाबा तब से इसका इशारा दे रहे हैं। ये सब होने के पहले तुम्हें पवित्र होना है, आत्माओं को पवित्र बनना है। यह होना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन यहाँ बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना। कोई अनाथ आश्रम तो ये है नहीं जो सबको रख लेना है। यहाँ तो शक्तिशाली आत्माएं चाहिए जो आगे सेवा कर सके, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। तो शुरू शुरू में भट्टी बननी थी, तब आ गए बच्चों को लेकर आ गई माताएं। अब तो जो सेवा करने के ओना से आए, समर्पित होने के मूड से आए, तो वो फिर अपने साथ कोई मोह और बंधन की चीजें ना लेकर आए। बाबा कहते क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। तो इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे, समय एक जैसा तो नहीं रहेगा। तो तब तो समय था, 14 साल तपस्या की, साधना की, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। वो बच्चे बड़े होकर आज वो यज्ञ में सेवा संभाल रहे हैं, लेकिन अब इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं, है ना। 2 महीने यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा कहते यह तो जैसे धर्मशाला हो गई, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, कभी भी ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना लेकर आए। साधना करनी है ना यहाँ, तो बच्चों आदि को ना ले आए, तो यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त,
इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़े ही है, समझते हैं इनका, माना ब्रह्मा बाप से भी कोई बहुत रिगार्ड से नहीं बोलते हैं, कोई ऐसे थे, समझते हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे इतना भी समझते नहीं कि शिव बाबा ही तो इनके द्वारा समझाते हैं, माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं, राजधानी में तो सब चाहिए ना, तो यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे, बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते ही नहीं, कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, ऐसी गांठ बांध ली कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसीलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, तो नहीं तो और अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। अब समझाना तो पड़ता है ना कि यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं ऐसा जो चार्ट में लिखने लायक ना हो, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते हैं, पहले भी रखते थे, वो आज है ही नहीं, क्योंकि माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूं तो फिर आधा कल्प माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है, खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा है पढ़ाई, ये चढ़ाई बहुत ऊंची है, पढ़ाई भी ऊंची है तो ये चढ़ाई भी बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है, कोई भी कर्म संभाल कर करना है, कोई भी कर्म जो बाबा ने बताए हैं संभल संभल कर करने हैं, अहंकार में नहीं आना है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वरदान है आज का, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी, कर्म भोग रूपी परिस्थिति, शारीरिक कष्ट, बीमारी है ना, अचानक ऐसी आपदा आई, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं, और सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त तो हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा, कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति
स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज ही स्थित हो सकेंगे। जब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे, जब ऐसी परिस्थितियों में ना हिलने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही अतींद्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति।